नमस्कार दोस्तों, हेल्दी लाइफ विद आशा में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे आसन प्राणायाम बताने वाली हूँ जिससे डायबिटीज पेशेंट को बहुत आराम मिलेगा और उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए करते हैं, कौन कौन से आसन उनको करने चाहिए। खड़े हो जाएंगे आसन में, दोनों टांगों में कंधों से अधिक फासला करें और अपने पैर के पंजे सामने की ओर ले आएं। अपने राइट हैंड को बाहर की ओर निकालते हुए इनहेल करें और धीरे धीरे अपनी भुजा को ऊपर ले आएं। अब श्वास को बाहर निकालते हुए लेफ्ट की ओर जाएं बगल से। आपने आगे की ओर ऐसे नहीं झुकना, कई बार आगे की ओर झुक जाते हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपने बगल से झुकना है, जितना भी आपसे होता है उतना करेंगे, आपकी पैनक्रियास के लिए बहुत ही लाभकारी है। जितना भी आप जा सकते हैं उतना जाएंगे, बस जो आपकी हाथ जो सीधा ये ऊपर है इसको आप कान के साथ लगा के रखें। कुछ देर रुके हैं, अब धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापिस आए। श्वास को बाहर निकालते हुए भुजा को नीचे ले जाए। इसी क्रिया को लेफ्ट हैंड से करेंगे। इनहेल करें, श्वास को भरें, भुजा को ऊपर ले जाएं, दोनों भुजाओं को ताने। श्वास को बाहर निकालते हुए राइट साइड झुकते जाएं बगल से। कोहनियां आपकी बिल्कुल सीधी हो, आपके घुटने भी सीधे हों। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे भुजा ऊपर, श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे की ओर आए, वापिस आ जाए। मैंने आपको एक बार कराया है, इसका अभ्यास आप 3 बार कीजिए कम से कम। दोस्तों, सबसे पहले आपने किया त्रिकोणासन, दूसरे नंबर पे आप करेंगे अर्धमत्स्येन्द्रासन जो कि डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। चलिए इसका अभ्यास करेंगे। दोनों टांगे सीधी कर लें, राइट लेग को मोड़ें और देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। राइट लेग को मोड़ते हुए लेफ्ट थाइस पर आप ऐसे लगा दें और लेफ्ट लेग को उठाते हुए खड़ा कर लीजिए। ऐसे कीजिए कि आपका जो अंगूठा है आपके घुटने से बाहर ना है, पीछे रहे। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे ले जाएं और राइट हैंड को लेफ्ट की ओर से लाते हुए अपने घुटने से अपने पेट को प्रेस करें। दोस्तों, शुरुआत में इतना ही होता है और जब धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा, आप पहले ऐसे ही करें और जब आपका अभ्यास हो जाएगा फिर आप हाथ से अपने लेफ्ट लेग को आप ऐसे पकड़ सकते हैं, पंजे को आप पकड़ सकते हैं और गर्दन को आप लेफ्ट की ओर रखें। आप देखेंगे आपके पेट पर बहुत खिंचाव है, इस समय बहुत प्रेशर है। कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें इसको। धीरे से वापिस भुजा को वापिस ले आए, दोनों टांगे सीधी कर लें। इसको हम लेफ्ट लेग से करेंगे। आप लेफ्ट लेग को मोड़ते हुए राइट थाइस के पास ऐसे ले आए, राइट लेग को खड़ा करें और लेफ्ट की ओर इस प्रकार खड़ा कर लें। यहाँ से राइट हैंड को कमर के पीछे ले जाएं और लेफ्ट हैंड को घुटने के राइट की ओर से घुमाते हुए आप अपने कोहनी से अपने घुटने को पीछे की ओर दबाते रहें। शुरुआत में इतना ही होगा, अभ्यास हो जाने पर आपका जो हाथ है वो आपके राइट पंजे पर पहुंच जाएगा और अपनी गर्दन को राइट साइड ले जाएं।
धीरे से वापस। दोस्तों इसका अभ्यास आपने 5 बार राइट से करना है और 5 बार लेफ्ट से करना है। एक बार डीप ब्रीथिंग लेकर अपने श्वासों को सामान्य कर लें। रिलैक्स होकर बैठ जाएं, दोनों हाथ पीछे, दोनों टांगों को सामने फैलाते हुए रिलैक्स पोजीशन में बैठें। दोस्तों तीसरा आसन है वक्रासन। वक्रासन के लिए भी दोनों टांगे सीधी रखें और राइट लेग को अपने मोड़ लें और अपनी एड़ी को पीछे से पीछे ले जाएं। पीछे से पीछे रखना है। यहाँ से अपने राइट हैंड को कमर के साथ इस प्रकार रखना है, ये देखिए ठीक से इस प्रकार रखें कि उंगलियां पीछे की ओर हो और लेफ्ट हैंड को राइट की ओर लेकर आए और कोशिश करें हथेली को नीचे रखने की और कोहनी से अपने घुटने को दबाने की और गर्दन को राइट साइड ले जाएं। इसमें कई बार करते समय क्या होता है, कईयों का शरीर झुक जाता है, वो बिल्कुल झुक जाते हैं, तो ऐसे झुक जाएंगे या फिर ऐसे झुक जाएंगे। झुकना नहीं है, अपने सीधा रखना है इस प्रकार, बस अपने कोहनी से घुटने को दबाते रहें। धीरे से वापस इसी क्रिया को लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट लेग को मोड़ दें, राइट हैंड को कमर के साथ इस प्रकार रखें कि आप उंगलियां पीछे की ओर हो, राइट हैंड को घुमाते हुए लेफ्ट की ओर ले आएं और हथेली को नीचे रखने का प्रयास करें और गर्दन को लेफ्ट की ओर मोड़ लें। धीरे से वापस दोनों टांगे सीधी। दोस्तों इसका अभ्यास भी आपको 5 बार राइट से और 5 बार लेफ्ट से करना है। मंडूकासन। दोनों हाथों को आप राइट साइड रखें, दोनों टांगों को लेफ्ट की ओर घुमाते हुए वज्रासन में आ जाए। वज्रासन में आने के लिए आपको आपको बता देते हैं एक बारी कैसे बैठना है। देखिए दोनों पैर के अंगूठों को ऐसे मिला लें और दोनों एड़ियों को थोड़ा सा फैलाते हुए उनके बीच में आपने बैठ जाना है। शुरू शुरू में जब नहीं होता है तो एक पतला सा तकिया लगा सकते हैं नीचे। मंडूकासन। दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लें, अंगूठे को अंदर रखना है, मुट्ठियों को टाइट रखना है, ऐसे कर ले मुट्ठियों को और देखिए बीच में नाभि है, नाभि के दाएं बाएं ऐसे रख लेंगे। श्वास को भरेंगे, श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे की ओर झुकेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि हमें अपनी गर्दन को ऐसे नहीं झुकाना है, हमने अपनी गर्दन को सामने की ओर ऐसे मोड़ के रखना है, थोड़ी हमारी जो चिन है वो नीचे की ओर हो, माथा ऊपर की ओर हो, इस बात का ध्यान रखना है। इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आए और मुट्ठियों से पेट में दबाव को बना के रखें। आंखें बंद कर लें और अपनी पैन की रियाज को थैंक यू बोलें, अपनी पैन की रियाज को थैंक यू बोलें, लीवर को थैंक यू बोलें। एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन उनमें जाती है। 10 सेकंड तक होल्ड करें और धीरे धीरे वापस। इसको आपने कम से कम 10 बार करना है इसी क्रिया को। इसका दूसरा भाग बता देती हूँ। दोनों हाथों की हथेलियों को ऐसे कप बना लें और ठीक नाभि के ऊपर रख लें, राइट हैंड ऊपर से लेफ्ट हैंड। फिर से इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर झुकेंगे, फिर से अपनी थोड़ी को नीचे की ओर रखेंगे और अपनी हथेलियों से पेट में दबाव को बना के रखें। जब आप पूरा नीचे आ जाते हैं तो अपनी श्वासों को सामान्य कर लें, नॉर्मल श्वास। दस सेकंड तक होल्ड करें, उसके बाद धीरे धीरे वापस आए। इसको भी आप कम से कम 5 बार कीजिए। दोस्तों एक बहुत अच्छा आसन है डायबिटीज के लिए, पवन मुक्तासन। इसके लिए आप लेट जाएं, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें
दोनों हाथों का गिरी बनाकर अपने घुटने के नीचे से पकड़ ले। श्वास को भरे और धीरे धीरे अपनी जंघाओं से अपनी थाई से पेट को दबाएं। धीरे धीरे अपनी थाई से अपने पेट को दबाएं। श्वासों में जितना रुका जाता है उतना रुके, ना रुकने पर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए अपने नोज को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। श्वास को भरते हुए वापिस आए और धीरे से दोनों टांगे सीधी कर लें। इसको भी आप कम से कम 3 बार कीजिए। इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो अपनी गर्दन को आपने ज्यादा नहीं उठाना। अगर आप इस पोजीशन में हैं, आपने श्वास को भरा है, तो आपने ऐसे करके अपनी गर्दन को नहीं उठाना है। आप नीचे ही रहिए, आप नीचे ही रहिए। श्वास भर के आपने दबाया है और श्वास छोड़ते हुए आप टांगों को सीधा कर लें। धीरे से कुछ क्षण का विश्राम लें, लंबा गहरा श्वास लें। धीरे धीरे महसूस करें, मेरी पैनक्रियाज बिल्कुल ठीक हो रही है, मैं बिल्कुल हेल्दी होती जा रही हूँ, मेरी डायबिटीज भी बिल्कुल ठीक हो रही है। ईश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। धीरे से दाएं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। दोस्तों हमें आसन के साथ साथ कुछ प्राणायाम भी करने होंगे, तभी हमें ज्यादा फायदा होता है। आसनों से ज्यादा प्राणायाम से हमें फायदा होता है, तो इसलिए हमें आसन के साथ साथ प्राणायाम भी करने चाहिए। पहले आप किसी भी आसन पर बैठ जाएं, चाहे तो पद्मासन में बैठें, चाहे आप सुखासन में बैठें, चाहे आप आलती पालती लगाकर ऐसे बैठ जाएं, जैसे आपको रिलैक्स होता है आप ऐसे बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बना लें। प्राणायाम मुद्रा कैसी होती है, अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को मोड़ लें, लिटिल और रिंग फिंगर को सीधा रखें। अंगूठे से अपने राइट नोस्टिल को बंद करें और लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को पहले बाहर निकालें। अब लेफ्ट से ही श्वास को भरें, राइट से बाहर निकालें, राइट से भरें, लेफ्ट से बाहर निकालें। श्वास जितने हो लंबे गहरे हो और श्वासों की आवाज बिल्कुल ना आए, आपको भी श्वास लेने और छोड़ने की आवाज ना आए। जिस गति में आप श्वास को भर रहे हैं उसी गति में श्वास को बाहर भी निकालें। धीरे धीरे लेफ्ट से ही श्वास को बाहर निकालते हुए क्रिया को पूर्ण करके वापस आएं। इसको आपने कम से कम 5 मिनट करना है। दूसरा प्राणायाम है अग्निसार क्रिया। इसके लिए दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, कमर को सीधा करके बैठें, श्वास को भरें, श्वास को बाहर निकालें और मूल बंद लगा लें।
मूल बंध यानी मल द्वार का संकोचन मूल बंध कहलाता है। उसके बाद अपने नाभि को अंदर और बाहर करें, थोड़ा खींचे, थोड़ा सा रोके और फिर ढीला छोड़ें। जब तक श्वास में रुका जाता है नाभि को अंदर बाहर करें, जब श्वास में नहीं रुका जाता है तो धीरे से वापस आकर दोबारा से श्वास को भरें, दोबारा से बाहर निकालें और उसके बाद फिर नाभि को अंदर बाहर करें। इस क्रिया को 5 बार करेंगे। मैंने 2 बार आपको कराया है, लेकिन आप 5 बार कीजिए इसको। उसके पश्चात है कपालभाति प्राणायाम। इसी पोजीशन में बैठे रहेंगे, दोनों हाथ फिर से घुटने पर रखेंगे, लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास को बाहर निकाल मूल बंध लगा लें, पुनः श्वास को भरें और ना अपने नोज से श्वासों को बाहर निकालते हुए टुकड़ों में श्वास को पहले बाहर निकालें, मूल बंध लगा लें, पुनः श्वास को भरें और अपनी नासिका से श्वास को झटके दे देकर बाहर निकालते रहें। पेट के लिए बहुत लाभकारी, पेट के सभी अंग प्रभावित होते हैं। मेरे पैनक्रियास, लीवर, सभी अंग मेरे प्रभावित होते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपका बीपी हाई रहता है और अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको बहुत धीरे धीरे करना है। नहीं तो अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो जितनी आप शक्ति लगाएंगे उतना आपका पैनक्रियास पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यहां से श्वास को बाहर निकालें, यहीं से तीनों बंद लगा लें, मल द्वार का संकोचन, नाभि को अंदर की ओर खींचे नाभि का संकोचन और कंठ को नीचे की ओर दबा लें तो कंठ का संकोचन। इसको बाह्य कुंभक भी कहते हैं। यथासंभव रुके, नहीं रुकने पे धीरे धीरे बंदों को खोलें और वापस आ जाएं। अब यहीं से श्वास को भरें, फिर से तीनों बंद लगाएं एक बार, धीरे से वापस। कपाल भाती भी कम से कम आपने 5 मिनट करनी है। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि बहुत ही लाभकारी है डायबिटीज के लिए। अगर हम उदास रहते हैं, हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो हम हमेशा टेंशन में रहते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, उससे ये बीमारी हमारी ज्यादा बढ़ती है। तो कोशिश करें अपने आप को खुश रखें, केवल पॉजिटिव थॉट्स को अपने मन में आने दें और इसके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम से हमारे जो 2 हार्मोन्स होते हैं एंडोर्फिन और डोपामाइन, जो कि हैप्पी हार्मोन्स कहलाए जाते हैं, जो हमारे मन को खुश रखते हैं, जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी बना के रखते हैं, तो इसलिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। इसको कम से कम 10 बार आपने करना है। मैं आपको 2 बार करके दिखाऊंगी। 2 उंगलियों को आंखों के ऊपर रख लें, 2 मुंह और नाक के बीच में अंगूठों से कानों को बंद करें, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और अपनी नोज से भौरे का गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकाल देंगे।
धीरे से शांत। इसको कम से कम आप 10 बार कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। आपका मन कभी भी उदास नहीं रहेगा, आप हमेशा हैप्पी मूड में रहेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप कौन सी और वीडियो देखना चाहते हैं मुझे अवश्य बताएं, ताकि मैं वैसे ही वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें।